तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम को किसी को टैग कैसे कर सकते हैं, यानी किसी को टैग वीडियो या फोटो या इमेज, किसी को रील्स कैसे टैग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे को कैसे आप टैग कर सकते हैं और भेज सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो अगर आप किसी भी अपने पर्सनली आदमी या इजी या फ्रेंड या दोस्त को कैसे आप टैग कर सकते हैं, टैग करना बहुत इजी है। और कैसे आप टैग कर सकते हैं किसी भी इमेज या रील्स या वीडियो को, किसी भी अगर किसी को आप टैग करना चाहते हैं यानी भेजना चाहते हैं, तो आप इजीली किसी को टैग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को अभी भी पता नहीं है कि हम कैसे टैग करें, कैसे टैग किया जाता है। टैग से आपको करने से बहुत सारे आपको प्रॉफिट होते हैं और बहुत सारे आपको उससे मजेदार आपको जो कि हम व्यू आते हैं, फॉलो आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार होते हैं जो कि वो अपना हर वीडियो टैग करते हैं, या अच्छा अगला बंदा जो कि उनका वीडियो देखता है तो टैग करता है। तो कैसे आप कर सकते हैं मैं आपको पूरी बताऊंगा, और करना टैग करना बहुत ईजी है, एकदम सिंपल स्टेप में बताऊँगा, ताकि आप एक बार में सीख जाइएगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम को किसी को भी टैग कर सकते हैं। पहले नंबर तो आपको अकाउंट को ओपन करना होगा। जैसे हमने यहाँ मिनिमाइज करके आ गया, उसके बाद हम यहाँ अकाउंट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल में आ जाना है, और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे जो कि वीडियो हमारे हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब हमें टैग कैसे करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम कोई भी इस तरह वीडियो लाऊँ सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। जैसे हम यहाँ से कोई एक वीडियो क्लिक कर देते हैं, जैसे हम देख सकते हैं ये फोटो इमेज है, हम किसी के पास अब भेजना चाहते हैं, ये मतलब टैग करना चाहता है। तो कैसे हम टैग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पर बैक आ जाएंगे और ये प्लस का आइकन है, प्लस वाले आइकन पर हम यहाँ फाइनली क्लिक कर देंगे। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखिए टैग करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, रील्स कर सकते हैं, फ़ोटो और स्टोरी टैग कर सकते हैं, स्टोरी हाई कर सकते हैं, लाइव गाइडन आप कर सकते हैं, ये सभी चीज़ को आप उपयोग कर सकते हैं और टैग कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो टैग करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पोस्ट हमें यानी हमें फ़ोटो करना टैग, तो हम क्या करेंगे फ़ोटो वाले पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं, यानी किसी को हमें कोई कैसे भेज सकते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं और आप इजीली ले सकते हैं। तो हमने ये फ़ोटो ले लिया और इस फोटो को हम टैग करना चाहते हैं और शेयर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, सभी के पास आप टैग कर सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको साइन का एक ऑप्शन मिलती है, साइन वाले ऑप्शन पर आपको फाइनली क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप साइन वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ आपको एडिट का ऑप्शन मिलती है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं जो कि यहाँ आपको थोड़ा फ़ोटो को पर्सनैलिटी बढ़ा सकते हैं और यहाँ क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ आपको इस तरह से फ़ोटो है, इस तरह से आपको हो जाएगा, जो कि आप जिस तरह से यहाँ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ बढ़ा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो आप इसी तरह इससे इफेक्ट डाल सकते हैं और अपने फ़ोटो को एक बेहतरीन जो कि दे सकते हैं। ये सब आने के बाद हमें अब क्या करना होगा, जैसे मैं फिर अब यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन मिलती है, अगर यहाँ से आप कोई चीज़ बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं ब्राइटनेस तो बढ़ा सकते हैं, जो भी आप और क्लीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ तीर का ऑप्शन मिलती है, तो तीर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जिससे आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ आप आते हैं, तो आप यहाँ कुछ अगर लिखना चाहते हैं इस फोटो के बारे में कुछ, तो आप जो कि लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद देखिए नीचे आपको मिल जाती है टैग, कैसे टैग करना है, और आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाती है टैग कैसे करना है, यहाँ से आप टैग कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी हैं, अगर कहीं भी आप अगर कहीं से हैं तो आपका लोकेशन बता देता है कि आप इस जगह हैं, अभी यहाँ खड़ा हुए हैं, तो उस तरह से ये अगर लोकेशन अगर ऐड करना चाहते हैं तो लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं कि हम इस लोकेशन पर हैं और यहाँ से हम टैग किए हैं। उसके बाद यहाँ अगर आप जो कि किसी को भी अगर एक जैसे आप इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हैं तो एक ही जगह से आप बहुत सारे जो कि प्लेटफॉर्म पर टैग कर सकते हैं। जैसे आपको फेसबुक मिल जाती है, ट्विटर मिल जाती है, टम्बल मिल जाती है, आप यहां से जो कि टैग कर सकते हैं। ये फ़ोटो डालिएगा ना तो आपका इंस्टाग्राम पर भी आपका आ जाएगा और आपका ट्विटर पर भी चला जाएगा और फेसबुक पर भी चला जाएगा, टम्बल पर भी चला जाएगा इस तरह से। और टैग करने के लिए हम क्या करेंगे, टैग वाले ऑप्शन पर हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। जैसे हम टैग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं आपको टैग आपसे यहां ऐड टैग का ऑप्शन मिलती है, ऐड टैग वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब यहां आपको सर्च का ऑप्शन आ गया, अब किसको टैग करना चाहते हैं, आप उन व्यक्ति को सर्च टैग करना चाहते हैं जो कि दोस्त प्रेम या आपके घर वाले किसी को भी अगर आप जिसे ज़्यादा मानते हैं, अच्छा किसी को भी अगर आप टैग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को अपने फ्रेंड को सर्च करना चाहता हूँ,
जैसे मैं आपके यहाँ देख सकते हैं ये आ गया, हम इसको टैग करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको बहुत सारे जो कि मिल जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे आपको यहाँ हर व्यक्ति आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो जिन व्यक्ति को आप चाहते हैं टैग करना तक कर सकते हैं। यहाँ आप अपना भगा कर और आप स्वैप कर देख सकते हैं हम किन व्यक्ति को टैग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम इस व्यक्ति को टैग करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ उसका नाम आ गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको ऑप्शन मिलती है तीर का ऑप्शन मिले, तो यहाँ आपको सिंपली क्लिक कर देना। सिंपली क्लिक करने के बाद आपका ये जो कि ऑलरेडी देखिए टैग हो चुका है, ये व्यक्ति देखिए दो टैग हो चुका है, देखिए ये दो लिख रहा है कौन कौन व्यक्ति टैग हुआ है, वो भी आप यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये दो व्यक्ति हैं जो कि हमने ये व्यक्ति को ही है, अगर आप एक को भी टैग करना चाहते हैं दो को नहीं करना चाहते तो एक को भी करके और यहाँ साइन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ जिसे आप साइन पर क्लिक करते हैं तो ये व्यक्ति को टैग हो जाएगा, यानी इनकी इस पर फोटो चला जाएगा आपका जो कि, और आप ये फोटो देख सकता है और ये एक दूसरे से आप लोग टैग हो जाइएगा। इसी तरह आप कर सकते हैं, तो आप अपने इंस्टाग्राम पर, तो हमारी दी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।